नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। यदि आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है और आपके बैंक अकाउंट में किसी तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव हो जाता है तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। यदि रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर आप बंद करवाना चाहते हैं तो कैसे बंद करवाना है, पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। एक फ़ोटो मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ जो कि आप पढ़ सकते हैं। उस फोटो में लिखा हुआ है, डियर कस्टमर, योर कोटक ग्रुप एक्सीडेंट केयर इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, जो कि आप नंबर भी पढ़ सकते हैं, इज ड्यू फॉर रीन्यूअल। Renew for login to Kotak Mahindra mobile application. Ignore if paid, regards Kotak GL. यानी कि मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है और मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से ही एक्टिव था, पिछले ईयर ये इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में मेरा कुछ अमाउंट कटा था और फिर से ये अमाउंट कटने के लिए रेडी है, लेकिन मेरा अकाउंट में बैलेंस नहीं है और मैं इसे चाहता हूं कि बंद करवा लूं। तो इसे बंद करवाने के लिए क्या प्रोसेस करना होगा भाई, आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको कोटक महिंद्रा बैंक के जो आपका होम ब्रांच है वहां पे जाना है और आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करके और आप वहां पर जमा कर दीजिएगा। और वो फॉर्म जमा करने के बाद 6 से 7 वर्किंग डे में आपका जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका कोई भी पैसा इस इंश्योरेंस के लिए नहीं कटेगा। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जानकारी जो है वो क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर 100% रिप्लाई देता हूँ सभी लोगों को। और जा करके आप अपना इंश्योरेंस पॉलिसी बंद करवा लीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।